हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम करने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का फुल मैप का रैंकेड गेम प्ले। और मैं लैंड किया हूं बरमुडा मैप में फैक्ट्री में, जहां पर बहुत सारी स्क्वाड आई हुई हैं। स्कैनर में तो देखी ही होगी फर्स्ट में ही। और जस्ट लैंड करते ही मैंने दो बंदे को लगातार ओनली रेड नंबर मारा है। लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने बंदे अपने आप को बाहुबली समझते हैं और बिल्कुल किल चुरा लेते हैं। यार, मेरा एक किल चुराया उसने, लेकिन मैंने भी उसको मारा, नॉक कर दिया हूँ। और यहाँ पर से उस बंदे ने किसी दूसरे बंदे को मार दिया था, वो नॉक था भाई, मैंने उसका किल ले लिया। उसने मेरा किल लिया, मैंने उसका किल लिया, हिसाब बराबर। ऐसे करते हैं हिसाब बराबर। अभी मेरे पास आ चुकी है एक शॉर्ट गन M87। और गाइस, इससे ना लगातार ओनली वन टैप यहाँ पर मारने वाला है प्यारे गेमर। देखते हैं कि किस प्रकार से हेडशॉट्स लगते हैं मेरे फुल मैप में सोलो वर्सेस स्क्वाड में वन टैप कैसे मारते। चलिए चलिए दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर जस्ट अभी बंदा है सामने, ओपी बोलते गेम तो चलते रहेगा, हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन यार, आप ना अपना माइंड को थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन में भी डालो भाई, एक बार नजर तो डालो। कर तो यार लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो न्यू व्यूअर्स हैं। और कमेंट कर डालना आपको वन टैप वाली गन पसंद है, M87 या MP40 पसंद है, जो कि फायर गन है और कतई तगड़ी चलती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट इस बंदे ने अपने बंदे को रिवाइव किया था और मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर रिवाइव वाले नौटंकी चल रही है, तो आ गया भाई यहाँ पर शॉर्ट गन लेकर और वन टैप दोनों को मारा। दोनों बंदे नॉक हैं। चलो इनको जल्दी से खत्म करके इनका क्रियाक्रम करते हैं और यहाँ से चलते हैं दूर दराज में, जहाँ पर बंदे हों और हम अच्छे सारे किल निकाल सकें भाई साहब। ठीक है, तो हमें एक गाड़ी की तलाश करनी पड़ेगी जो कि हमें मिल चुकी है मैकलन की। 20 करोड़ रुपए की हमने ये कार खरीदी थी, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। सामने बंदे दो, एक बंदे को तो मैंने जस्ट भाई मारा तो था गाड़ी से, और बंदा काफ़ी दूर गया था, लेकिन बंदा शायद ग्लिच के कारण दो बार गाड़ी से टक्कर खाया और वापस आया, लेकिन अब मरेगा। यहाँ पर दो बंदे को मैंने जस्ट नॉक किया है, एक बंदे को किल कर दिया, दूसरा बंदा दूर दराज में नॉक है। और इस बंदे के ऊपर हम करते हैं ग्रेनेड। ये किया मैंने ग्रेनेड, भाई अच्छा खासा डैमेज लगाया उस बंदे को। चलो, एक और बंदा आया अपनी गाड़ी लेकर कचरा निकालने वाला, तो मैं हूँ नहीं, बट तेरे अंदर जो कचरा भरा है उसको हम निकाल देंगे भाई साहब। इसके हेड में काफ़ी सारे कचरे भरे हुए थे, दिमाग में खोपड़ी हमने खोल दी बंदे का। बंदे हो चुके हैं ख़त्म काफ़ी सारे, यहाँ पर चार बंदे और मार दिए यार भाई। 11 किल मेरे हो चुके हैं, 21 बंदे अभी बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि और भी हम कितने किल कर पाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हम लूटम पट्टी कर लेते हैं, तभी तो भाई जितना अच्छा आप लूट रहे हो क्योंकि उतना अच्छा गेम प्ले चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैगजीन क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड लेता हूँ क्योंकि ग्रेनेड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है गेम प्ले में। काफ़ी सारे बंदे को मैं ग्रेनेड से भी मारता हूँ, तो ग्रेनेड क्या है, एक प्लस पॉइंट रहता है मेरा कि बंदे को डैमेज करो और उनको मार दो। मुझे ग्रेनेड बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवाइवल मतलब सेल्फ रिवाइवल भी ले लेते हैं, फ्री में मिल रहा है। तो 11 किल, 24 बंदे बचे भाई, अभी जस्ट 21 थे शायद। एक बंदा क्रेन से आता हुआ, जो इसके ऊपर मेरा मिशन था। चलो, मिशन भी ख़त्म, बंदा भी ख़त्म। यहाँ पर ये बंदा अपने बंदे को रिवाइव कर रहा है नौटंकी करने के बाद। अब ये बंदा नहीं बचने वाला। चलो, यहाँ पर शायद से ये अपने बंदे को रिवाइव कर लेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मारा भाई साहब, वन टैप ही हेडशॉट लगा। तो गाइस, क्या ही कहने यार वन टैप हेडशॉट के। लाइक कर दो, इतने सारे आपको वन टैप हेडशॉट दिखा रहा हूँ फुल मैप में। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सामने बंदा, एक और बंदे को मैंने हमारा हेडशॉट, बंदा हो चुका है नॉक। ये मैंने चलाया उसके ऊपर पारंग, बंदे को पूरा फिनिश कर दिया। इस बड़े घर के ऊपर ना एक बंदा है और जिसकी आवाज़ मुझे काफ़ी देर से आ रही थी। एक तो जो सोया रहता है उसका आवाज़ कुछ अलग रहता है, और यहाँ पर चलने वलने की भी आवाज़ आ रही थी, और मैंने इसके अंदर भी छोड़ा था। तो भाई पूरा कन्फर्म होगा कि बंदा ऊपर है, और बंदा दिखा, हेडशॉट खाया, बंदा हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पर 15 किल अभी मेरे हो चुके हैं और 18 बंदे अभी बचे हुए हैं, और काफ़ी सारे टोकन है भाई, 4200 टोकन
AK-47 AK-47 और यहाँ पर पिस्टल है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, बाद में यूजी भी रहती है भाई, यूजी चलाने में मज़ा जाता है। तो वो एक मिड रेंज की गन तो नहीं बोल सकते, पास रेंज की गन बोल सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तेज चलती है और एक्यूरेसी उतनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज कम जाता है। लेकिन हाँ, यदि आपके पास कोई दूसरी गन नहीं है और यूजी है तो वो बहुत ही अच्छा एक बचने का साधन है। ठीक है, सामने बंदा, वन टाइम हेडशॉट मैंने मारा इस बंदी को, लेकिन उस कैरेक्टर के कारण वो थोड़ी देर बची रही, लेकिन अब तो खत्म हो चुकी है। साइड में एक बंदा आता हुआ जिसको मैंने मारा हेडशॉट, बंदा हो चुका है नॉक। एक और बंदा हेडशॉट मैंने मारा बंदे को, कि मैंने नॉक बहुत ही तेजी से हेडशॉट मार के दूसरा बंदा उसको बचाने गया। भाई साहब, ये बंदा ऑटोमेटिक बच गया शायद, हाँ ऑटोमेटिक बचा। अब बंदा भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं भागने तो दूंगा नहीं, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अच्छा खासा किल को मैं भाग दूँ। 10 बंदे बचे हुए हैं, 19 किल मैंने कर लिया हूँ भाई। 19 किल काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्या? काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मैं उस गेम प्ले को बुया ले पाता हूँ या नहीं ले पाता, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बंदे, 10 बंदे बचे हैं, मतलब कि अभी जो मुकाबला है, जो युद्ध है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस घर के अंदर एक बंदा है जिसको मैंने देख लिया हूँ, लेकिन मैंने सोचा सेफ जोन में पहले चल जाऊँ, उसके बाद इसको मारूंगा। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको सेफ जोन में नहीं, डेंजर जोन में जाके मारना पड़ेगा, और इसके लिए डेंजर जोन मैंने खुद बना दिया। एक और बंदे को किल किया और 20 किल मेरे हो चुके। सामने एक और बंदा यहाँ पर, मैंने मारा उसको हेड शॉट, पहले लगा एक दो, फिर बॉडी शॉट से मारा बंदा। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक दो बॉडी शॉट भी लगना ज़रूरी है, नहीं तो तुम ना हैकर हैकर बोलने लगते हो कमेंट बॉक्स में। इतना बड़ा स्पैम मत किया कर यार, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कमेंट कर भी दोगे तो क्या ही जाएगा। सामने बंदा, पीछे बंदा भाई, पीछे देखो प्यारे पीछे। लेकिन मैंने उस बंदे से खुद को बचाया आया, और यहाँ पर बंदे को हेडशॉट मैंने मारा ओपी बोल के। अरे यार, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ग्रेनेड करूँ, लेकिन अब लगाया ही लिए है तो कर ही देता हूँ। ठीक है, तो अभी एक ग्रेनेड किया, दूसरा ग्रेनेड किया, ओपी बोलते एक बंदा फिर से नॉक हो चुका है, और एक बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको हेडशॉट मारूंगा। ठीक है, एक बंदा नॉक है। अरे यार भाई साहब, यदि उस बंदे का किल भी मुझे मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। अभी यहाँ पर 24 किल हो जाते, लास्ट का बचा है बंदा, उसको मार डाला तो लाइफ झिंगा लाला। लेकिन बंदा है कहाँ भाई, पैरों की आवाज़ मेरे कान में, बंदा ऊपर है इसके ऊपर, इस छत के ऊपर। ठीक है, देखते हैं कि मैं उसको मार पाता हूँ कि नहीं। बंदे के पास गन तो होगी ही होगी, ठीक है, उसके ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो उस बंदे को नीचे आने देते। भाई इसने मुझे मारा ओपी ओपी भाई, ओपी ओपी, तेरे को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई। ऊपर से गया, नीचे आया, बंदा हो चुका खत्म, मेरा हो चुका भैया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाले बेल आइकन पर सब्सक्राइब डालना, सपोर्ट कर यार प्लीज़। थैंक फॉर वॉचिंग, सपोर्ट, लव माय डियर फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।